नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में फ्लाइट ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक दोनों पायलट सो गए। पायलट सोते रहे और विमान जो है वो हवा में घूमता रहा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये घटना जो है वो 25 जनवरी की बताई जा रही है, जब फ्लाइट ने उड़ान भरी। दोनों पायलट तकरीबन 28 मिनट तक सोते रहे, फ्लाइट घूमती रही। इस विमान में 153 यात्री सवार थे। हालांकि फ्लाइट आराम से जकार्ता लैंड कर गई, लेकिन फ्लाइट में हुई लापरवाही के चलते परिवहन मंत्रालय ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। और अब अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया के बकले से, जहां एक 36 साल की भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या का शव खुद उसके पति पर जताया जा रहा है, क्योंकि हत्या करने के बाद पति अपने बच्चे को लेकर लड़की के माता पिता को सौंपने के लिए हैदराबाद पहुंच गया। और ये जो शव है वो कूड़ेदान से मिला था। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है इस महिला की हत्या उसके पति ने ही की हो, और इसी एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है। किसी भी जंग के बाद जो हालात पैदा होते हैं वो जंग से भी भयावह होते हैं, और ऐसे ही हालात इस समय गाज़ा में पैदा हो गए हैं। एक तरफ तो आसमानी आफत बरस रही है, उन पर रॉकेट बरस रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो खाने के पैकेट्स हैं वो उन्हें आसमान के ज़रिए ही भेजे जा रहे हैं। एक तरफ गाज़ा इसराइली हमलों से बेहाल है, दूसरी तरफ भूख से लोग बिलख रहे हैं, परेशान हैं। हवाई जहाज़ से राहत सामग्रियाँ जो हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। फूड पैकेट्स जो है वो लोगों को ऊपर से ही नीचे दिए जा रहे हैं। अस्थाई पैराशूट की मदद से ये राहत सामग्री के बक्सों को नीचे गिराया जा रहा है, लेकिन जितनी संख्या में लोग वहाँ पर भूखे हैं, जिस तरह की भुखमरी और अकाली वहाँ पर इस समय आ गई है, ये सहायता, ये मदद वहाँ नाकाफी साबित हो रही है। तो एक तरफ हमले में लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ भूख से अब वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। रूस में भारतीय नागरिकों के फंसे होने की खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, किस तरीके से धोखाधड़ी करके यहाँ से कुछ एजेंट्स जो हैं वो भारतीय युवाओं को नौकरी का लालच देकर रूस भेज देते हैं। वहाँ पर जंग लड़ने के लिए उन्हें फ्रंट लाइन में या फिर हेल्पर के तौर पर शामिल कर लेते हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जहाँ नेपाल के कुछ लोग हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। रूस में फंसे नेपाली नागरिकों ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें रूसी चंगुल से, उसकी सेना के चंगुल से छुड़ाएं। इन लोगों का यह कहना है कि एजेंट ने काम दिलाने के बहाने भी इन्हें रूस भेजा था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें सेना में भर्ती कर दिया गया। ये कुल 30 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 5 बचे हैं जिन्होंने ये वीडियो जारी कर भारत से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से लोग काफ़ी परेशान हो गए। आसमान से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा शहर बाढ़ में डूब गया है। ये पानी किसी नदी या बारिश का नहीं बल्कि समंदर का है। हाई टाइड ने पूरा इलाका जो है वो पानी में डुबो दिया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा जो शहर है वो पानी में डूबा हुआ है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और चलिए, इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।